मीनाक्षी 1 और 11 में सबसे पहले बात नागरिकता कानून की करेंगे, जिस पर गुरुवार को यूपी के कई शहरों में हिंसा देखी गई, लेकिन आज जुमे की नमाज को देखते हुए यूपी पुलिस पूरी तरह से सतर्क बताई जा रही। लखनऊ में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पूरे लखनऊ शहर को 20 हिस्सों में बांटकर मैजिस्ट्रेट स्तर के अफसरों को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। लखनऊ में 21 दिसंबर तक मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवा रोक दी गई है, ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। वहीं संभल की तस्वीरें आपको याद होंगी, ताबड़तोड़ एक्शन वहां पर हुआ है, 17 लोगों के खिलाफ FIR हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान पर भी FIR दर्ज की गई है। 30 लोग यहां से गिरफ्तार किए गए हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, आप कल से ही इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, कल और आज के बीच क्या समानता और क्या फर्क दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी में? देखिए, अगर फर्क की बात कही जाए तो आज स्थिति थोड़ी सामान्य दिख रही है, लेकिन बड़ी चुनौती आज भी है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, जो कि यहाँ पर टीले वाली मस्जिद में जुमे की नमाज होती है, और वो नमाज के बाद बहुत सारे लोग गैदर होते हैं और हमेशा से वो संवेदनशील जगह रही है। उसको देखते हुए जो पुराना लखनऊ का वो एरिया है, टीले वाली मस्जिद वाला एरिया, वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, और करीब दोपहर के 1 बजे के आसपास जब ये नमाज होती है उसके बाद ही ज़्यादा मामला बढ़ने की आशंका है। इसको देखते हुए तमाम फोर्स डिप्लॉय की गई है, लेकिन बड़ी चुनौती इस बात में है क्योंकि कल भी इंतजाम किए गए थे और कल भी दावा किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जितनी हिंसा हुई उसको देखते हुए आज चुनौती बड़ी है। अब देखना यह है कि किस तरह से पुलिस निपटती है। बेशक उन्होंने सेक्टर्स में बांट दिया है पूरे लखनऊ को, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और ज़्यादा डिप्लॉयमेंट किया गया है, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी ये है कि क्या ये लोग ये सेंस कर पाए कि कल जिस तरह से लोग इकट्ठा हुए थे वो किसी साजिश का हिस्सा थे या फिर इंस्टिगेटेड थे, या क्या था जिसकी वजह से वो इतना मोटिवेट हुए और इतना हिंसक हो गए, वो चुनौती सबसे बड़ी है। अभी कुछ देर पहले हमारी DGP OP सिंह से बात हुई, वो कल की बात को भूल जाना चाहते हैं, उसका कोई जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन वो आज भी दावा कर रहे हैं कि आज शांति रहेगी। अब देखना यह है कि उनके दावों में कितनी हकीकत है, लेकिन जिस तरह का माहौल है, लोग जरूर डरे हुए हैं, क्योंकि कल काफी हिंसा हो गई थी, लोग सामान्य तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दफ्तरों में, अपने कामकाज के लिए यातायात भी खोल दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर है कि क्या कल जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इसी को देखते हुए आज जितने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, चाहे वो गृह सचिव हो, DGP हो, वो खुद यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, जिससे कि स्थिति का आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि संवेदनशील है लखनऊ में स्थिति, और शायद कल किसी भी तरह की सिचुएशन आती है तो पेशेंस के साथ में काम लें। जो आपके सीनियर असिस्टेंट डायरेक्शन से मिलती है उनके मुताबिक काम करें, और जो ही ऑर्डर मिलते हैं कि आपको एक गैस करना है, एक फायर करना है, तो एक टुकड़ी आगे बढ़ेगी, तो दूसरी टुकड़ी है तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में 18 तारीख की तस्वीरें आपको याद होंगी, जब सीलमपुर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए आज फिर पुलिस प्रशासन मुस्तैद, और शुक्रवार का दिन, जिसकी वजह से इस तरह की आशंका पुलिस को भी है कि जुमे की नमाज के लिए लोग निकलते हैं, तो ऐसे में जब एक साथ लोग इकट्ठा होंगे तो हालात न बिगड़े, इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के 12 थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू है, और खासतौर पर ये वो इलाके जहां पर पुलिस को आशंका है कि प्रदर्शन हो सकते हैं, और इसीलिए यहां पर फ्लैग मार्च भी किए गए, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर धारा 144 लागू है। हालांकि इस बीच मेट्रो स्टेशन आज खुले हुए हैं, जबकि कल के दिन में 19 मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा था प्रशासन को, लेकिन आज के दिन में सभी मेट्रो स्टेशन खुले हुए हैं। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, इंतजाम किस तरह से है, जमीन पर क्या हकीकत है, वो पता चलेगी। 1500 से ज्यादा लोकल पुलिस के जवान भी इसमें तैनात किए गए हैं, और इसके अलावा पिछले 2 दिनों में कई मीटिंग्स का दौर चला है, जो लोकल लीडर्स हैं जिनका इलाके में अच्छा इन्फ्लुएंस और प्रभाव है, रिस्पेक्टेबल्स हैं, उन तमाम लोगों को कॉन्टैक्ट किया गया है, कई बार कॉन्टैक्ट किया गया है, और उन्होंने लोगों से अपील की है कि इलाके में अमन चैन कायम रखें, और इसके अलावा जो बाकी एहतियात हैं
वो रखे गए हैं, इंक्लूडिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ ड्रोन्स, वीडियोग्राफी का भी इंजाम है, एंटी रायट गियर में फोर्स तैनात है, ताकि किसी भी तरह की अगर अपनी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको शीघ्र निपटा जा सके। इंटरनेट सेवाओं को लेकर देखा जाए तो क्या ये अभी यहाँ पे इंटरनेट का कुछ कनेक्टिविटी चल रहा है या बंद किया? अभी अभी तो सारी सेवाएँ चल रही। नहीं, अभी हमने इस जिले में जो 12 थाने हैं वहाँ पे हमने 144 धारा लागू की है, हर्ष विहार और सोनिया विहार को छोड़ के बाकी जगहों पे 144 धारा लागू की गई है ताकि कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके। इसमें हर्ष विहार और सोनिया विहार दो थाने हैं वो एक्सक्लूडेड हैं, उनमें नहीं है, बाकी सारे थानों में है। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता है, ऐसे तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, जॉइंट सीपी दिल्ली ये जानकारी दे रहे थे कि हर्ष विहार और सोनिया विहार सिर्फ ये दो थानों को छोड़कर बाकी सभी पूर्वी दिल्ली के इलाकों में इस वक्त धारा 144 लागू की गई है, और क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से कहा गया? क्योंकि कुछ देर पहले हमने तस्वीरें भी देखी कि जवानों को कुछ खास हिदायतें और इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लगभग 12 स्टेशन्स पर जो है लगातार धारा 144 लगी हुई है। हम लोग इस समय जामा मस्जिद इलाके में हैं और जाहिर तौर पर जुम्मे की नमाज के चलते ज़्यादा भीड़ को एक साथ एकत्रित होने की अनुमति नहीं है, पर यहाँ पे धारा 144 नहीं लगी है। एहतियातन जो है नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जो है यहाँ पे जो धारा 144 लगाई गई है वो इसलिए कि कानून व्यवस्था में कोई खलल ना हो और पुलिस जो है पूरी एहतियात बरत रही है। जानकारी ये भी है कि पुरानी दिल्ली का जो इलाका है यहाँ पे पुलिस कर्मियों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है और सैकड़ों पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं कोई भी अनवांटेड एलिमेंट्स पर नज़र रखने के लिए। चंद्रशेखर ने यहाँ से जामा मस्जिद से जंतर मंतर का ऐलान किया था कि वो पैदल चलेंगे। जानकारी ये मिल रही है कि उनको ये अनुमति नहीं दी गई है। उसके बाद भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो अपना जो है ये मार्च जारी रखेंगे, हालांकि उनके मार्च में और कोई लोग नहीं होंगे, वो अकेले ही चलेंगे क्योंकि उनको नजर बनाए रखे मौसमी, क्योंकि वहां पर जहां खड़ी है वहां पर हालात काफी संवेदनशील है और इसी के मद्देनजर वहां पर चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।